आपको बताते चले कि ललितपुर जिले के ललितपुर खजुराहो टीकमगढ़ रेल मार्ग स्थित उदयपुरा रेलवे स्टेशन पर विगत दिनों दिनांक 15/10/2024 की रात्रि में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था पड़ा, जिसके सिर पर पत्थर से कई बार कर हत्या कार्य की गई, जिसके सफल अनावरण हेतु दिए गए आदेश निर्देश के क्रम में पुलिस अधीक्षक रेलवे झांसी विपुल कुमार श्रीवास्तव द्वारा घटना के शीघ्र अनावरण हेतु कई टीमों का गठन किया गया था तथा विशेष रूप से सर्विलांस टीम को भी घटना के अनावरण में लगाया गया था। मर्डर हुआ था उदयपुरा स्टेशन पे 15 तारीख को रात में, जो सूचना मिली थी इंस्पेक्टर और इनकी टीम गई थी और उस पर अननोन बॉडी थी, पता नहीं चला था कि क्या हुआ है। उसका पत्थर से उसे चोट लगी थी और तीन प्रहार किए गए थे, एक सामने और दाहिने बाएं दोनों तरफ, जिससे उसकी डेथ हुई थी। सीट पे बेंच पे लेटा हुआ प्लेटफॉर्म पे। इस पे फिर इंस्पेक्टर द्वारा और इनकी टीम द्वारा सब प्रयास किया गया, आसपास के थाने बार और बानपुर थाने के जो प्रभारी हैं उनसे भी बात की गई। सभी के पास ग्राम प्रधानों की सूची थी, उस सूची से ग्राम प्रधानों से वार्ता किया गया, उन्होंने भी अपने स्तर पर लोकल थानों ने का पता कराया और इसी तरह टीकमगढ़ पास में था तो टीकमगढ़ के लोगों से भी जानकारी की गई। तो इसी में एक जानकारी हुई कि मतलब ये इसकी पत्नी ने शिनाख्त किया कि उसका ये मृतक है जो अर्जुन रायकवार, ये टीकमगढ़ का रहने वाला, दिल्ली में मजदूरी का काम करता है। इस पर फिर उनसे जब बातचीत हुई तो उनका प्रथम दृष्टया ये शक हुआ कि ये काम जो है मर्डर उसका दामाद जो है अजय वो कर सकता है। फिर इस पर अजय को जानकारी करके फिर इस पर गिरफ्तारी के लिए उसको प्रयास किया गया, सर्विलांस टीम का सहारा लिया गया। एक्चुअली शुरू में उसने कुछ मोबाइल से, मतलब मृतक की मोबाइल से, और अजय जो अपराधी जो अभियुक्त है इसने एक दो लोगों से बात किया था, तो इससे यह स्पष्ट हुआ कि इसकी शंका हो सकती है। और सर्विलांस टीम से भी हम लोगों ने देखा तो सर्विलांस टीम के अनुसार भी उस मोबाइल का लोकेशन उस दिन तक वहाँ पर उदयपुरा आया और फिर थोड़ा सा टीकमगढ़ जाके फिर वापस हो गया था। फिर ये अभी आज सुबह जो इनको पता चल रहा है तो ये गिरफ्तारी हुई है, इसमें उसने प्रथम दृष्टया अपना सब अपराध और एक जो मृतक के वो पर्स था, पर्स में जो उसके आईडी वगैरह थे वो उसने बरामद कराया है कि मौके से थोड़ी दूर जहाँ मृत घटना हुई थी उसे वहाँ ले कर फेंक दिया था। इस संबंध में अपराध यहाँ पर पंजीकृत किया गया था 114/24 103(1) जो DNS है, और उसमें एक चूँकि जो साक्ष्यों को छिपाने का अपराध था उसमें भी धारा बढ़ा के इसे आज गिरफ्तारी की गई है और इसको जेल ले जाया गया। कहाँ का छुपा रहा? ये यहाँ से अपने गांव गया था मर्डर करने के बाद, अपना सामान छोड़ गए, दो झोले वहाँ से जो बरामद हुए थे, जिस बोरी जिसमें सामान था वो उसी का था, और उसके बाद फिर इसे अपने गांव गया, फिर वहाँ से वो दिल्ली चला गया था। सर हत्या करने का मोटिव क्या रहा? हत्या का जो मोटिव है वो बेसिकली है कि इसकी पत्नी जो है ये दशहरे के दिन 12 तारीख को कुछ लड़ाई हुई थी, वो बिना बताए वहाँ से चली आई अपने पिता के पास और पिता ने फिर कह दिया कि यहाँ गांव आने के लिए टीकमगढ़ भेज दिया था। ये अपने ससुर से और पत्नी से भी बार बार बात करता था कि वापस आ जाए, लेकिन ये वापस लाने के लिए तैयार नहीं थे। और फिर वो बहला फुसला के जैसे भी हो वो अपने ससुर के साथ उस दिन ट्रेन से 15 तारीख को आया और झांसी से फिर वो उदयपुरा स्टेशन से यहाँ पे आके उतर गया था। और जब उदयपुरा उतरा तो उसका ससुर उतरा तो ये भी उतर गया पीछे से, फिर इन्होंने शराब वराब पिया था और शराब पीने के बाद फिर सोने के रात में हत्या कर। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।